नमस्कार दोस्तों स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूएस और चाइना के बीच बढ़ती टेंशन को लेकर अब यूएस ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि चाइनीज़ कुछ कंपनीज स्पेशली हुवाई जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइव जी कंपनी है हिक विजन एच आई के विजन आपने इस कंपनी का नाम बहुत सुना होगा ये नीचे देख भी सकते हैं जो सी सी टी वी कैमराज बनाने वाली दुनिया की अनदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज एच आई के विजन ये यूएस ने कहा है कि चाइनीज़ मिलिट्री के द्वारा बैक्ड हैं यानी कि चीन की मिलिट्री इनको स्पॉन्सर करती है ये पेंटागन की लिस्ट सामने आई है केवल ये दो फर्म्स नहीं इसके साथ कुल मिला के अभी ट्वेंटी फर्म्स का उन्होंने नाम दिया है जो कि कहा जा रहा है चाइनीज मिलिट्री के द्वारा बैग्ड हैं सो so, एक तो कोरोना वायरस के चलते जो कि आपसी तनाव बढ़ रहा था दूसरी तरफ जो व्यापार युद्ध चल रहा है वो भी अभी कंटिन्यू हो रहा है इसी के बीच ये देखने को मिल रहा है कि टेंशन आर वेरी हाई बिटवीन द टू कंट्रीज आइए जानते हैं पूरी स्टोरी को और बेसिकली यू ने ऐसा क्यों किया एंड हाउ दिस विल बी अफेक्टिंग द कंपनीज जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है इसके बारे में मेरा नाम है अनिरुद्ध इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टडी आई क्यू की आपके ऊपर यूपीएससी आई की परीक्षा के लिए स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं इस पर अट्रैक्टिव ई एम भी अवेलेबल हैं जो कि थर्टियथ जून तक आप अवेल कर सकते हैं राइट right. सो so, ये न्यूज रॉयटर्स ने कवर की थी आप चाहें तो इसको जाके वहां पे देख सकते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेज हुआई हिकविजन बैक्ड बाय चाइनीज मिलिट्री ये केवल दो ऐसी बड़ी फर्म्स हैं जिनका नाम मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अलावा अगर आप देखें और भी कई सारी फर्म्स हैं जिनके नाम यहाँ पे मैंशन है हालांकि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि कुल मिला के टॉप चाइनीज फर्म्स आर इधर ओन्ड और बैक्ड बाई द चाइनीज मिलिट्री ये मेन क्लेम यहाँ पे रखा गया है अगर मैं आपको कुछ प्रमुख फर्म्स के नाम बताऊं, सबसे पहले वीडियो सर्वेलेंस फर्म हिक हिकविज़न हिक विजन जो हांगजू हिक विजन डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है इट इज़ अ पार्शली स्टेट ओन्ड चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ वीडियो सर्वेलेंस इक्विपमेंट ठीक है ये सप्लाई किस किस को करती है सिविलियन पर्पज़ के लिए मिलिट्री पर्पज़ के लिए और इसका जो मुख्यालय है ये हैंगज़ू चाइना में है और ध्यान से पढ़िए इट्स कंट्रोलिंग शेयर्स आर ओन्ड बाय दी चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइना में जो भी बड़ी कंपनीज हैं आप कह सकते हैं कि मोटे मोटे तौर पर उनके कंट्रोलिंग शेयर्स अक्सर चीन की सरकार के पास ही होते हैं उसके बाद चाइना मोबाइल उसके बाद एविक एविक दुनिया की बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ अ चाइनीज़ स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ग्लोमेरेट बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमेरेट कहने का मतलब मल्टीपल कंपनी से मिलकर बनी है इट इज़ रैंक्ड वन फिफ्टी फर्स्ट इन द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट और चाइना मोबाइल की बात करें चाइना मोबाइल की जो कंपनी है इट इज़ लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड दांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज एज वेल ये कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट मोबाइल टेली कम्युनिकेशन ऑपरेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बाई टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स विद ओवर नाइन हंड्रेड टू मिलियन सब्सक्राइबर्स दो हजार अठारह में इसके पास नौ सौ दो मिलियन सब्सक्राइबर्स थे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर आज बेसिकली अमेरिका ने ये एलिगेशंस लगाए हैं यहाँ पर कहा जा रहा है द यू एस इज बेसिकली लेइंग ग्राउंड वर्क फॉर न्यू सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना इस बेसिकली इस संबंध में द लिस्ट इज ऑल्सो लाइकली टू ग्रो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि अभी बीस फर्म्स हैं लेकिन कहा जा रहा है कि आगे जाके शायद ये लिस्ट बढ़ जाएगी और ऑब्वियसली यहाँ पे यूएस खुद ही नहीं बल्कि और कंट्रीज को भी प्रेशराइज़ कर रहा है कि वो हुआई जैसी कंपनी को बैन करे फॉर द नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स इसमें यूके को वो ऑलरेडी बोल चुका है कि प्लीज़ डो नॉट allow hawaii to function in your country the list has been published in order to inform congressional committees us businesses investors and other potential partners of chinese firms about the role such firms may play in transferring sensitive technology matlab ki ye jo list publish ki hai basically iska maqsad ye hai ki kal ko अगर कोई Chinese firm आती है और वो आपकी कुछ sensitive technology को transfer करती है to the Chinese military तो यहाँ पर एक problem खड़ी हो सकती है So एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये भी है यहाँ पर कि ये जो लिस्ट के बेसिकली पीछे सैक्शन आए हैं या फिर जो लिस्ट तैयार करने के पीछे जो मांग आई है ये मांग दोनों पार्टी से आई है डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन दोनों ने मांग की है टू पब्लिश एंड अपडेट द लिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम पेंटागॉन इसके अंडर काफी टाइम से प्रेशर में था अंडर द यू एस लॉ द डिफेंस डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैक फर्म्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाई चाइनीज पीपल्स लिब्रेशन आर्मी दैट आर एक्टिव इन द यू एस सो ये उनके डिफेंस डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है और ये यूएस का ही कानून है कि वी हैव टू लुक एट कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि चाइना की पी एल ए के द्वारा, द्वारा कंट्रोल्ड हैं और उनके द्वारा एक्टिव हैं यू में अब हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्योंकि इंडिया में जो सिचुएशन चल रही है बिकॉज यू ने हाल ही में कहा था कि वी सपोर्ट इंडिया इन दिस क्लैश तो हो सकता है ये लिस्ट इसलिए पब्लिक कर दी हो क्योंकि द प्रॉब्लम इज ये लिस्ट जो थी ये लिस्ट तैयार आज नहीं हो रही थी लिस्ट एक्चुअली जो कंपनीज थी ये रिव्यू में थी सिंस नवंबर पिछले साल के नवंबर से रिव्यू में थी लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई थी तो हो सकता है पॉसिबली कि यह शायद घोषणा इसलिए कर दी गई हो बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच में क्लास चल रहा है और इन ऑर्डर टू प्रेशराइज चाइना यूएसए ने ये लिस्ट अनाउंस की हो खैर वी डो नॉट नो अबाउट दैट फैक्ट बट एनी वेज जो यहां पे सेनेटर्स थे जिन्होंने बेसिकली काफी पुश किया उन्होंने स्ट्रेस किया है दैट रिव्यूज शुड बी कंडक्टेड टू असेस वेदर दी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैड बीन स्टीलिंग यूएस टेक्नोलॉजी विद मिलिट्री एप्लीकेशन एज वेल एज ये भी जानना जरूरी है वेदर इट हैड बिन एनलिस्टिंग चाइनीज कॉरपोरेश हारनेस एमरजिंग सिविलियन टेक्नोलॉजीज फॉर मिलिट्री पर्पसेज इन दोनों मुख्यज की आधार पर यह लिस्ट को जारी किया गया है अगर हम बात करें द वाइट हाउस ऑलरेडी टेकन्स एवरेज स्टेप्स अगेंस्ट हुआईल आपको मालूम है हुवाई को बैन करने के लिए कई सारे स्टेप्स ले चुकी है इनफैक्ट यहां पर व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि हम ताइवान में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एज कम्पेयर टू हुआई और उन्होंने सेमी का अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआई से बैन करके ताइवान को ऑलरेडी दे चुके हैं एंड दे हैव ऑल्सो बार्ड यू एस कंपनीज फ्राम सेलिंग देम सर्टन टेक्नोलॉजी विदाउट परमिशन तो केवल चाइनीज फर्म्स के ऊपर क्लैम्प डाउन नहीं है उनके ऊपर तो शिकंजा कसा ही है उन अमेरिकी कंपनियां, वो वाली अमेरिकी कंपनियां जो कि चाइना की कंपनियों को कुछ सामान बेचती हैं या देती हैं उनको भी बिना अनुमति के अब सामान या टेक्नोलॉजी बेचने की अब परमिशन नहीं दी जाएगी द एडमिनिस्ट्रेशन हैज सेड कि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बेसिकली देर इज दिस इज़ अ रिस्पॉन्स टू थेफ्ट ऑफ यू एस ट्रेड सीक्रेट्स कि हमारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उनकी चोरी हो रही है इसलिए हमने ये फ़िलहाल लिस्ट अनाउंस की है बट अगेन आई पर्सनली बिलीव कि ये शायद रीजन कुछ और हो सकता है यहाँ पर खैर अगर हम बात करें कि इसका प्रभाव कंपनीज के ऊपर क्या पड़ेगा तो जो डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा पहली बात तो पेनल्टीज नहीं आएंगी यानी कि जुर्माना नहीं आएगा लेकिन दिस वुड जो ये अभी स्टेप लिया गया है द प्रेजिडेंट मे इम्पोज सैक्शन विच कुड इंक्लूड ब्लॉकिंग ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द लिस्टेड पार्टीज ठीक है यही नहीं बेसिकली जब ऐसी कोई लिस्ट अनाउंस हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है इट बिकम्स अ यूजफुल टूल फॉर द यूएस गवर्नमेंट फॉर द कंपनीज इन्वेस्टर्स अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड लाइक माइंडेड पार्टनर्स टू कंडक्ट ड्यू डिलीजेंस यानी कि इट इज़ लाइक क्रेडिट रेटिंग अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री की क्रेडिट रेटिंग को कम करती है सो उससे एक मैसेज जाता है दूसरी कंट्रीज़ में कि इस कंट्री में आप इन्वेस्ट ना करें सिमिलरली अगर ये लिस्ट को पब्लिश किया गया है तो यूएस गवर्नमेंट और साथ में यूएस की कुछ कंपनीज और वहाँ के कुछ निवेशक वहाँ के कुछ संस्थान ये सोचेंगे कि क्या हमें इन कंपनीज के साथ कोई भी रिश्ता रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए ठीक है विद रिगार्ड टू पार्टनरशिप्स विद दीज एंटिटीज पर्टिकुलरली एज द लिस्ट ग्रोस सो ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है ट्रेड वॉर को और बढ़ाने का इसके जवाब में एच के विजन जो हिस्क विजन कंपनी है इसने कहा है कि ये जो आरोप हैं ये बेसलेस हैं कि हमने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया इन एनी आर एंड डी वर्क फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस बट वी वुड वर्क विद द यू एस गवर्नमेंट टू the दी मैटर तो इन्होंने यहाँ पर फिलहाल तो ये जवाब दिया है लेकिन अभी देखना बाकी है कि एग्जैक्टली exactly होता क्या है हम बेसिकली यहाँ पर यही कह सकते हैं दिस पॉइंट्स टू इंक्रीजिंग टेंशन बिटवीन यू एस एंड चाइना सो जो टेंशंस पहले कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से बढ़ी उसके बाद फिर चाइना ने जब कहा कि हम ड्राफ्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आने वाले हैं हॉन्गकॉन्ग के लिए तब और बढ़ गई अब धीरे धीरे उइगुर मुस्लिम्स को लेकर भी बातें हो रही हैं फिर तिब्बत को लेकर बातें हो रही हैं द बेसिकली पॉइंट ये है कि टेंशन बिटवीन द टू सुपर इकोनॉमिक पावर्स आर नाउ राइजिंग एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये अभी भी एक न्यूज़ ऐसी है जो आगे बढ़ सकती है लिस्ट और आ सकती है एंड वी डो नॉट नो वॉट मोर स्टेप्स इट वुड टेक द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू कंक्लूड ओवर हेयर इज कि द ट्रेड वॉर इज स्टिल ऑन एंड अभी भी कुछ सामने क्लियर नहीं हुआ है इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ